हमेशा की तरह स्टैंड आउट रिजल्ट्स, यानी कि रिजल्ट्स बहुत ही दमदार, वैल्यूएशंस भी आकर्षक और कंपनियां मजबूत, तो उस लिस्ट से करते हैं शुरुआत। वरिंदर, गुड मॉर्निंग। दिन था जहां पे थोड़ा सा सांस मिला हमें, बट जो भी चार पांच कैश वाले स्टॉक्स थे उसमें चंबल फर्टिलाइजर्स मेरे हिसाब से सर स्टैंड आउट रहता है। ऑफ कोर्स ये थोड़ा सुस्त स्टॉक है बहुत लोगों के लिए फर्टिलाइजर सेगमेंट, बट आप नंबर्स और बैलेंस शीट देखिए। बैलेंस शीट पर्टिकुलरली नंबर्स में आप देखेंगे तो इसका 20% मार्जिन आया, एक्सपेक्टेड था 13% मार्जिन आएगा, तो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। ग्रॉस मार्जिन इंप्रूव हुए हैं इस कंपनी के। 100 करोड़ का पैड एक्सपेक्टेड था सर लोगों का, उसके सामने अराउंड 200 करोड़ प्रॉफिट आया, तो सब कुछ अच्छा हुआ है। इंपॉर्टेंटली सर, मैं क्यों इस कंपनी के बारे में बोल रहा हूँ, ये सर सिर्फ 6 times FY22 EPS पे ट्रेड करता है, सो महंगा स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है। इसके नंबर सर अगर आप कोरोमंडल से भी कंपेयर करेंगे, सो ऑनेस्टली यू कैन कंपेयर द नंबर्स ऑफ चंबल आर ऑलमोस्ट इन लाइन विद व्हाट कोरोमंडल डस, बट वैल्यूएशन डिफरेंस बहुत ज्यादा है इन दोनों में। बैलेंस शीट की बात करें सर, तो FY21 में जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन हुआ है इस कंपनी का 800 करोड़ से 7000 करोड़ हो गया सर, और बोरिंग 9500 करोड़ से कम हो गए 3000 करोड़ हो गई है। इंपॉर्टेंट क्या हो रहा है सर, फर्टिलाइजर सेगमेंट में जो भी आउटस्टैंडिंग सब्सिडी थी वो ऑलमोस्ट वर्चुअली निल हो गई है। आई थिंक आई विल रियली रियली गिव बिग रिमार्क्स टू द गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे आर डूइंग फॉर दिस सेक्टर। आउटस्टैंडिंग सब्सिडी सर इस कंपनी की कुछ 5800 करोड़ 5800 करोड़ थी December 31, 2020 तक। आई थिंक जनवरी में उन्होंने बोला था कि हमें उनको 3200 करोड़ मिल गया है। आज कॉन कॉल है 2 बजे, सो लेट्स सी कि उस तरीके से व्हाट आर देयर यू नो टॉक्स की उसमें फर्दर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये कंपनी है सर। दूसरा कंपनी आई विल नॉट से स्टैंड आउट बट फिर भी अच्छा रिजल्ट आया और वैल्यूएशन फिर भी ठीक है, वो है HSIL, हिंदुस्तान सैनिटरी वेयर। इसके नंबर्स अच्छे थे सर, एबिटा 100 करोड़ का आया, क्वार्टर एंड क्वार्टर फ्लैट थे, बट वाई एन वाई आप देखेंगे ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। मार्जिन 15.5% आए कम्पेयर टू 12% वाई एन वाई। प्रॉफिट 44 करोड़ कंपेयर टू 3.5 करोड़ वाई एन वाई। इवन क्वार्टर एंड क्वार्टर बढ़ा 36 करोड़ से 36 करोड़ से 44 करोड़ हुआ। अगेन वैल्यूएशन वाइज सर ये 12-13 times पे ट्रेड करता है TTM EPS पे, तो उतना महंगा स्टॉक नहीं है। ओके, तो ये है आपके लिए दमदार रिजल्ट्स चंबल फर्टिलाइजर। और आप जो कह रहे थे कि बैलेंस शीट में जाकर देखें चंबल फर्टिलाइजर में, तो वरिंदर वही तो बात है ना, इसीलिए तो आपकी जरूरत है। नतीजे तो सभी पढ़ लेते हैं, अंदर जाके देखे कौन, घुसे कौन, मेहनत कौन करे इतनी, और उसके लिए आपकी जरूरत पड़ती है कि सिर्फ नतीजों को ऊपर ऊपर से ना देखें, नतीजों के बाद अंदर भी जाकर देखें कि उसका क्या असर पूरे कंपनी पर, कंपनी के कारोबार पर, बैलेंस शीट पर पड़ रहा है। तो चंबल सिर्फ रिजल्ट ऊपर ऊपर देखेंगे तो वो नहीं दिखेगा जो अंदर बैलेंस शीट में इंप्रूवमेंट होता हुआ दिख रहा है। इसके साथ ही HSIL ये भी दमदार नतीजे। अब जो नतीजे वैसे तो कमी आए ज्यादा है नहीं, और FNO वाले तो कोई रहे नहीं, तो जो कुछ नतीजे कमजोर हैं या फिर नतीजे ठीक भी है लेकिन शेयर महंगे हैं, तो इनके बारे में बताएं आप। सर इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना, ऑनेस्टली दिस स्टॉक हैज बीन ऑन रडार ऑफ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अच्छा कंपनी है, सब कुछ बढ़िया है, महंगा स्टॉक है, 35 times ट्रेड करता है 22 EPS के। नंबर्स ठीक थे, कोई खास तोड़फोड़ नंबर्स नहीं थे सर। एबिटा 100 करोड़ का आया, एक्सपेक्टेशन थी 100 करोड़ आएगा। मार्जिन 25% आए, एक्सपेक्टेशन था 25% आएंगे, सो तोड़फोड़ नहीं है। ओरिएंटल एरोमेटिक्स सर अगेन पीपल आर वेरी यू नो गंग हो ऑन द केमिकल स्पेस, बट इसके कुछ नंबर ज्यादा अच्छे नहीं आए सर। क्वार्टर एंड क्वार्टर देखें तो इसका एबिटा 40% गिर चुका है, मार्जिन 15% है वर्सेस 28% क्वार्टर एंड क्वार्टर। तो नंबर मेरे हिसाब से बहुत खराब थे सर। सस्ता स्टॉक नहीं है, 28-30 times पे TTM EPS पे ट्रेड करता है, 28-32 times पे करता है। और एक वार्निंग सर, दो कंपनीज, एक तो डाइची करकारिया, अगेन आई हेयर अ लॉट ऑफ पीपल टॉकिंग अबाउट दिस कंपनी, लास्ट 5 quarters से इसने लॉस किया है, सो थोड़ा सा और पढ़ लीजिए इसके बारे में। और एक HFCL सर, आई नो वी डोंट टॉक अबाउट द स्टॉक, आपको नंबर बहुत अच्छे देखेंगे ऊपर ऊपर से, पर बैलेंस शीट में जाएंगे तो उसके रिसीवेबल्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो उसका थोड़ा ध्यान दीजिए। ये है आपके दो और रिजल्ट्स, इंटेलेक्ट डिजाइनर। कुछ और कुछ बचे हैं या मतलब इतने ही आज रिजल्ट कमी है, कल तो फिर से एक्शन पूरा रहेगा वरिंदर? यस सर जी, कल से पूरा एक्शन रहेगा। कल तो आज गोदरेज, सीमेंस, आरती, लिंडे, ग्रैन्यूल्स, न्यूलैंड, बहुत सारे नंबर्स है। और उसके बाद गुरुवार को छुट्टी है, शुक्रवार को आप भारी भरकम रिजल्ट की लिस्ट के साथ आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ये बेहतरीन एनालिसिस देने के लिए।